जनपद में छठ पूजा करने वाली महिलाओं ने राप्ती घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। आपको बता दें कि जनपद में छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राप्ती घाट सहित सभी घाटों पर व्रत रहने वाली महिलाओं ने धूमधाम से छठ माता का पूजा अर्चना किया तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों, पानी में NDRF, SDRF, लाइट पार्किंग की व्यवस्था किया गया था, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर किसी का बच्चा खो जाता है तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जाता था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छठ पूजा करने वाली महिलाओं पार्षद संजय श्रीवास्तव और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा। सुबह भी अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो नगर निगम के स्टेज पर आ जाए। आपकी माता जी को सुनाना चाहते हैं। अंकित जायसवाल जी जहाँ कहीं भी हो हमारे नगर निगम के सुमित कन्नौजिया जी आप जहाँ कहीं भी हो इस चीज के साथ आ जाए। छठ पूजा के पावन पर्व में समिति को संतोष वर्मा जी आसनसोल से आए हुए हैं। इन्होंने गुरुगुरेश्वरनाथ आरती समिति के लिए आरती समिति आपकी सेवा में तत्पर है। फूल फूल अगरबत्ती केवल गुरुदेव का नहीं है। यदि किसी को इस बच्ची के बारे में जानकारी हो तो जरूर हम बता समिति के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है आप लोगों के टैंक पर पहुंचे। अशोक भार्गवे जी रुस्तमपुर से आए हुए हैं। आज जहां कहीं भी हो नगर निगम के स्टेज के पास आ जाए। अशोक भार्गवे जी रुस्तमपुर से आए
शीतल वर्मा। छठ अपने बच्चों परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है और इसे हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं जी, पुत्र के लिए और पति के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे से ही, उम्र के लिए लंबी 15 साल से मालावन जो भी किया जाता है बहुत अच्छा से छठ पर्व किया जाता है और बहुत अच्छा, मतलब ये फलदायक पर्व है, हमेशा लाभ होता है इसे और दिल से किया जाता है 20 साल से, सभी लोग शामिल हैं। सरोज वर्मा। घर परिवार के लिए मनाया जाता है, बच्चों के लिए मनाया जाता है, ये भी बताया जाता है कि लंबी उम्र की कामना के लिए पुत्र भी दिया जाता है। हाँ, कितने वर्षों से करती आ रहे हैं? हम 35 साल से करते आ रहे हैं। परिवार के सभी लोग रहते हैं? हाँ, मेरे परिवार के सभी लोग रहते हैं। लकी सहानी होता है, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए मनाया जाता है। इसकी मान्यता यही है, जो भी मनोकामना हो, आपके मन में श्रद्धा हो, आप ये पूरी कर सकते हैं। संजय श्रीवास्तव, पार्षद हांसूपुर। छठ पूजा का पर्व जो है इस गुरु गोरक्षनाथ घाट पे और राम घाट पे, ये दोनों घाट पे बहुत ही अच्छे तरीके से नगर निगम के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, बहुत सुंदर लाइट किससे सजाया गया है, पूरा पंडाल से सजाया गया है, हर तरीके से व्यवस्था सजाया गया है। इसको घाट को हर तरीके से सजाया गया है कि हमारे छठ के जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस उद्देश्य से यहाँ पे हर की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है, सब लोग मिल करके NDRF की टीम लगी हुई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई है। तकिया घाट में मेला लगता था लेकिन वहाँ पे तकिया घाट पानी की वजह से बंद है, इसीलिए सभी भीड़ यहाँ पे संख्या ज़्यादा हो गई है। इसके उद्देश्य से सभी लोग यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और उस सबकी हर तरह से मनोकामना पूर्ण हो, छठ भैया सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी उद्देश्य से यहाँ पे काम किया गया है। आस्था का त्यौहार रविष्ठ व्रत गोरखपुर में राम घाट, बाबा गोरखनाथ घाट पर बहुत बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जा रहा है। इस त्यौहार में छोटे बड़े का सारा भेदभाव मिट जाता है और सब लोग मिल करके छठ करते हैं। ये सब रास्ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रविष्ठी व्रत प्रकृति से जुड़ा हुआ है, भगवान सूर्य की बहन माता छठी सबको ऊर्जा प्रदान करती है जिससे मनुष्य का जीवन चलता है। कल हम लोगों ने अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम किया था, आज उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके अपने परिवार के, समाज के, देश और राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम लोग भगवान सूर्य और माँ उनके बहन माँ छठी माँ से प्रार्थना करके आशीर्वाद ले रहे हैं। सूर्य आरोग्य के देवता है, इन सभी लोगों को आरोग्य प्रदान करेंगे। मैं अपने तरफ से, शहरवासियों के तरफ से, नगर निगम परिवार, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के तरफ से सभी प्रति महिलाओं को मैं शुभकामना बधाई, जय हिंद।